अस्सलाम वालेकुम। आज ईद का दूसरा दिन है। मेरे बेटे को सर को कलेजी बहुत पसंद थी। वो सोहेल भैया के पास जाकर खाता था। इनके यहाँ दूसरे दिन बकरा ईद होती है, कुर्बानी होती है। मेरे बेटे को के लिए भेजते हैं हम। वो अल्लाह की रहमत में है। अल्लाह पाक इसको इसका अजर पहुँचाए और अल्लाह पाक इसकी कुर्बानी कबूल करे। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि ये लोग अभी भी अज़र को इतना याद रखते हैं, बड़ी बात है। बहुत सारी थी, सुबह खाई है अज़र के पापा ने। मेरा अज़र अल्लाह की रहमत में, अल्लाह पाक इसको अपनी रहमत के साए में रखे। अस्सलामुअलैकुम। आज ईद का दूसरा दिन है और आज मैं हैंडमेड ज्वेलरी थोड़ी बना के दिखा रही हूँ आपको। तो ये इसमें ज्वेलरी में ये वाले टोल चाहिए, एक तो ये, एक ये और एक ये, तो तार काटने के लिए कटर। ठीक है, अब मैं आपको ज्वेलरी बनाते हुए दिखाऊंगी। अस्सलामुअलैकुम। पहले मैं आपको आज ज्वेलरी बनाकर दिखा रही हूँ। पहले तो ये फिलर है गोल्डन, ये लगाया हमने। वो पर्पल बिट्स डाला है, येलो, पर्पल एंड येलो। तो हम एक काम करते हैं, पहले येलो डालते हैं, थोड़ा सा बड़ा है ये, और फिर पर्पल डालेंगे। ये ऐसे बनेगा, ऐसे। ठीक है, और ये थोड़ा सा ज़्यादा होता है यहाँ पर तार, उसको जो ज्वेलरी की तार होता है, थोड़ा सा बड़ा है। इसको हम कटर से थोड़ा कम कर लेंगे, ऐसे। आपको नज़र आ रहा है, ऐसे। ठीक है, अब इसको ऐसे करेंगे। ठीक है, अब ये जो नोज़ वाली पिन है, नोज़ वाला है जो, तो इसको हम यहाँ से पकड़ के ऐसे ऐसे उड़ा देंगे। इसको टाइट मुड़ा देंगे इस तरह, तो यहाँ से भी हिलेगा नहीं। ये हो गया। अब हम दूसरा बनाएंगे इसका पेयर। ये डाला ऐसे, फिर पर्पल नहीं, येलो, और पर्पल बीट डालेंगे अंदर। अब एक्स्ट्रा जो है उसको हम फिर से ये कटिंग कर देंगे इतना। ठीक है, और ये वाली जो टूल्स होता है ना, इससे यहाँ से इसको मोड़ देंगे। ठीक है, अब नोज़ वाली है जो गोल, इस तरह की गोल नोज़ है, नोज़ वाली से हम इसको ऐसे मोड़ेंगे। ठीक है, ये हो गया। थोड़ी सी सेटिंग कर लें लूज अगर है तो। ठीक है, अब इसमें हम एयरिंग्स की जो होती है वो डालेंगे। एयरिंग्स के जो कुंडे होते हैं, आई थिंक कुंडे ही इसको कहते हैं, तो हम ये कुंडे डालेंगे इसमें। और हमारे एयरिंग्स तैयार। साथ में लेते हैं ना, तो ये
थोड़े उलझ जाते हैं। अब इससे हम थोड़ा सा इसको ओपन करेंगे। नज़र आ रहा है ना आपको, क्योंकि हम कैमरा नीचे है थोड़ा मेरा, तो मुझे समझ नहीं आ रही कि आपको नज़र आ रहा है या नहीं। अब ये हो गया, ये हो गया, ये एयररिंग्स बन गया आपका। और इसमें भी हम कुंडा डाल देंगे। ये मैं बाय बेचती भी हूँ, क्योंकि बहुत सारे हो गए हैं मेरे पास। ये बिज़नेस अच्छा है। ये एयरिंग्स एक बन गया, ठीक है। अब मैं आपको दूसरा बना कर दिखा दूँ। अब मैं दूसरा बताने लगी हूँ, आपको बताने लगी हूँ। ये येलो पहले करेंगे, देखो ऐसे, ये है ना इस तरह की कील, तो यहाँ से बहुत ही आपको बाहर नहीं निकलेगा। अब मैं सोच रही हूँ गोल्डन और सिल्वर की जो कॉम्बिनेशन है ना, वो बड़ी प्यारी लगती है। और इसके ऊपर ये गोल्डन आ गया, ठीक है। ये अब अगर हमें ऊपर कुछ रखना है तो हम ये सिल्वर भी रख सकते हैं, ये इस तरह, या हम ये रख सकते हैं। ये देख, ये कैप बेसी है ना, ये वाला। अब मैं आपको ये एयरिंग्स बना कर दिखा रही हूँ। थोड़ा सा हम कट कर लेंगे तार, और इससे फिर वही मोड़ लेंगे, और नोज़ वाले उससे हम इसको फिर ऐसे मोड़ेंगे। यहाँ से भी टाइट हो जाएगा, कोई हिलेगा भी नहीं। तो आज मैंने सोचा कि मैं आपको लाइव बना के दिखाती हूँ। बहुत सी बच्चियों ने कहा था मुझे कि आप मुझे आंटी, हमको आंटी ये बताएं जब आप बना रही हूँ। अब इसमें ये कुंडा डाला। ज्वेलरी की जो भी है चीज़ें बहुत महंगी मिल रही हैं, और आजकल तो वैसे ही इतनी महंगाई हो गई है। तो मैं ही थोड़ा सा ज़्यादा क्वांटिटी में लेकर तो आ गई हूँ, अल्लाह मालिक है, ठीक है। अब हम दूसरा बनाएंगे, दूसरा फिर से ये गोल्डन डालेंगे, और हम ये सिल्वर डालेंगे, फिर गोल्डन बीट्स डालेंगे, मेटल का है, और इस पर ये केप लगाएंगे। लगाना है तो लगाएं आप भी, वरना कुछ और भी लगा सकते हैं। फिलर तो बहुत तरह के आते हैं, उसको फिलर ही कहते हैं। और भी मुझे लाने हैं फिलर, ईद की छुट्टियां हैं, और आपने मेरे वीडियो में देखा तो होगा मैंने 3 नेकलेस वाले सेट भी बनाए, वो भी आपको दिखाया है मैंने। नहीं देखे तो आप देख लीजिए मेरी वीडियो में। ठीक है, थोड़ा सा लूज हो रहा है, हम इसको थोड़ा सा और दबा देंगे, ये थोड़ा टेढ़ा भी ना हो। अब इसमें हम एक कोटा लगा देंगे,
जो कान में डालते हैं हम पहनने के लिए। ओए होए, ज्यादा डूब गया। हो गया सीधा। ये देखें, ये एक सेट हो गया, एक सेट ये हो गया, मार्केट में इतनी इससे भी छोटी मिलती हैं और ये इस तरह की मिलती है, तो ये थोड़ी सी बड़ी है और पहले मैं जो ऑनलाइन मंगवाई थी तो वो थोड़ी छोटी आ गई थी, तो अब इसमें हम ये सेट डाल देंगे। ठीक है, ये सेट डाल दिया हमने और यहाँ से ये टेप हटा दी और अब हम इसको ऐसे चिपका देंगे तो हमारा ये एयरिंग्स सेफ हो गया। ठीक है, इसी तरह हम ये दूसरा भी बनाया है वो डाल देंगे ताकि ये ख़राब ना हो बाहर पड़े पड़े। ठीक है, ये देखें, ये दो हो गए। ये एक झुमकी है, छोटी गोल्डन है और इसको मैं बनाने जा रही हूँ। पहले हम ये सी ग्रीन डालेंगे इसमें। कर लेंगे बाद में, साइज छोटी कर लेंगे। मैं आपको करके दिखाती हूँ। ये रिंग है, इसको हम ऐसे दबा देंगे। थोड़ी छोटी करने के लिए चार इस कलर की हो गई। अब इसमें हम सी ग्रीन यहाँ सब फिर डालेंगे। ये इसी तरह बनाते तो ये बन गया है। अब इसमें मैं किल लगा कर देखती हूँ। ये वाली देखें, इस पर हम ये गोल्डन भी लगाएंगे। ये चुनकी है, कलरफुल देखें कितना प्यारा लग रहा है। मैं सोच रही थी इसमें कोई और भी कलर डालें, कोई और कलर लगा कर देखती हूँ। मैंने ये झुमकी बनाई है गोल्डन और घुंघरू से लगे हुए, ये देखें इस तरह लाइट की वजह से नहीं नजर आ रहा। यहाँ रख के दिखाती हूँ आपको। ये देखें, नीचे घुंघरू है कलरफुल, झुमकी है ये पेट से गोल्डन और रेड। मैं
मेरे हाथ में से ही गिर रहे हैं, पता नहीं क्यों। किस चीज पे रख कर दिखाऊं आपको, एक मिनट, टेप पर रख के दिखा। ये देखिए, ब्यूटीफुल। चलिए जी, आज के लिए तो बस इतना ही काफ़ी है। देखें तो मेरा ब्लॉग, ज्वेलरी बनाना ट्यूटोरियल दे दिए मैंने तो कैसे बनाते हैं। एक ईयर रिंग बनाया है मैंने येलो और पर्पल का, और येलो और गोल्डन का एक ये झुमकी है, इसको भी मैंने थैली में पैक कर दिया है ताकि ख़राब ना हो, हवा ना लगे, मतलब एहतियात से पैक ही कर दिया है। चले जी, इसके साथ ही है मुझे इजाज़त दें। आज मैंने कुछ इतना ही बनाया है, आपको यकीनन पसंद आएगा। अल्लाह हाफिज़। पसंद आए तो लाइक कीजिए, अगर शेयर कीजिए।